आगामी विधानसभा चुनाव में देवांगन समाज 7 सीटों पर दावेदारी की मांग रखने बनाई योजना, जिसके तहत बैठक आहूत कर सर्वसम्मति से बातें रखी। आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी भूमिका दिखाने देवांगन समाज राजनीतिक मंच ने दुर्ग संभाग की एक बैठक आहूत की, जिसमें अरुण वरुड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय कोष्टा कोष्टी समाज विमल देवांगन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तथा पुराणिक राम देवांगन अध्यक्ष दुर्ग जिला देवांगन समाज की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इसमें छत्तीसगढ़ राज्य में देवांगन समाज को आगामी विधानसभा चुनाव में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों से 7-7 सीटों पर समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व की मांग करने का संकल्प पारित किया गया। गौरतलब है कि बैठक में देवांगन समाज के राजनीतिक शून्यता को खत्म करने हेतु दुर्ग संभाग के सामेकितिक प्रयास एवं कार्य योजना की जानकारी दी, जिसमें सभी जिलों के देवांगन समाज के प्रमुख पदाधिकारी एवं राजनीतिक रूप से सक्रिय सामाजिक जनों ने भाग लिया। साथ ही प्रदेश में देवांगन जनों की जनसंख्या लगभग 8.4 है। लगभग 28 लाख की आबादी वाले समाज को अनुपातिक टिकट की मांग रखने पर सभी सदस्यों ने सहमति प्रदान की। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में देवांगन जनों में राजनीतिक जागरूकता लाने 15 दिनों के लिए जागरूकता यात्रा निकालने की योजना बनाई गई। तत्वाधान में विधानसभा के जो इच्छुक उम्मीदवार थे उनसे मेरी मुलाकात हुई है। बहुत विस्तृत तरह से मतलब उनसे मैंने बात की है और देवांगन समाज को राजनीति में किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए और जब तक आप टिकट मांगोगे नहीं तो कोई आपको देगा नहीं, तो सबसे बड़ी बात है कि आप मांगने वाले बनो, ये संदेश मैंने उनको दिया। और किस तरह से विधानसभा लड़ी जाती है, किस तरह से तैयारी की जाती है, किस तरह से अपने को आपको प्रस्तुत किया जाता है विधानसभा के लिए, ये सारी चीज़ें मैं इच्छुक उम्मीदवारों के साथ शेयर की है, उनसे बात की है और मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। और बहुत अच्छी तरह से ये दुर्ग संभाग का जो मतलब देवांगन समाज है उन्होंने ये पहल की है, उस पहल का मैं स्वागत करता हूँ और मेरा पूरा समर्थन राष्ट्रीय तौर पर पूरे देवांगन समाज को और जो इच्छुक उम्मीदवार है विधानसभा पे उनके रहेगा।